कहना चाहूँगा कि इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है जो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर है और इसका नाम है सुपर शी और शक्ति सुपर शी। और हमारा यही मोटिव है कि हम महिलाओं तक पहुँचे और मैं मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते हमने अलग अलग जगहों को 15 अगस्त में ये कार्यक्रम आयोजित किया है। बेसिकली ये कार्यक्रम दो हिस्सों में बांटा जाएगा, एक है शक्ति क्लब्स और एक है इंदिरा फेलोशिप। तो पहले अगर हम हिस्से की बात करें तो हम 15 अगस्त को मुंबई के हर एक कोने में झंडा वंदन करेंगे और ये झंडा वंदन की खास बात ये होगी कि ये झंडा वंदन सिर्फ महिलाएं करेंगे और मुंबई में ही नहीं, ये देश भर में हर एक राज्य में ये कार्यक्रम होने वाला है जहाँ हमारी बहनें सिर्फ महिलाएं मिलकर ये झंडा वंदन का कार्यक्रम करेंगी 15 अगस्त को और हमारे साथ जुड़ेंगी। काफ़ी महिलाएं हैं जो नॉन पॉलिटिकल है मगर उनको अपने सोशल इश्यूज और लोकल इश्यूज के बारे में बात करने का एक माध्यम नहीं मिलता है, इसीलिए हम सब उनको आमंत्रित करते हैं कि हमारे साथ जुड़े और अपनी जो बात है वो इस माध्यम से आगे बढ़कर बताइए। कुछ कारणों की वजह से अगर 15 अगस्त को जो हमारी बहनें हैं वो झंडा वंदन बाहर आके नहीं कर सकती है तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपने घर पर ही या छत पर तिरंगा लहरा कर वो फ़ोटो हमें भेजें। इंडिया की शक्ति हैशटैग भी है, वो हम चलाएंगे सोशल मीडिया पे। और इसके बाद जो महिलाओं को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस भी है या उनको एस्पिरेशन है पॉलिटिकल आने का, तो इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से उनको एक फेलोशिप प्रोग्राम दिया जाएगा जिसका नाम है इंदिरा फेलोशिप। इसके माध्यम से अनेक जो हमारी बहनें हैं जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है या नहीं है, उनको पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और एक लेवल पे पहुंचाया जाएगा क्योंकि हमारे देश में महिलाओं का आगे बढ़कर सोशल इश्यूज और वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और महिलाओं को पॉलिटिकल स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। जब महिलाएं लीडरशिप रोल्स अज्यूम करेंगी तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। आज आप सब देख रहे हो कि मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है, देश में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जब महिलाएं लीडरशिप रोल्स में आएंगी, जब महत्वपूर्ण पोजीशंस महिलाएं लेंगी तब हमारा देश आगे जाएगा। इसीलिए आज हमारे साथ मुंबई प्रदेश युवक कांग्रेस के मेरी काफ़ी बहनें हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस की भी बहनें हैं। हम सब आपको आमंत्रित करते हैं कि आपके माध्यम से हम ये मैसेज स्प्रेड करेंगे कि 15 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं मिलकर झंडा वंदन भी करें और झंडा वंदन में जो बाहर नहीं आ सकते वो अपने घर से भी तिरंगे के साथ एक फ़ोटो भेजिए जो हम अपने भी सोशल मीडिया पेजेस से द्वारा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न होंगे तो आप सर, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विधान भवन या कई सारी जगहों पर मणिपुर के बाद में आवाज़ उठाया गया था, उसके बाद इस तरीके का कदम उठाना लोगों को, खास करके महिलाओं को कितना प्रोत्साहित करेगा और कितना उनका मोटिवेशन करेगा? देखिए, देश में जो ये हमारी सरकार चल रही है, भाजपा और उनके जो अलायंस की सरकार चल रही है, वो महिलाओं की पीड़ा को समझ नहीं पा रही है, आम आदमी की पीड़ा को समझ में नहीं आ रही है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने काफ़ी समय निकाल लिया, उन्होंने पार्लियामेंट में भी मणिपुर के वायलेंस के बारे में बात करने के लिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, सोनिया गांधी मैडम है, प्रियंका गांधी जी है, हम सब उनके नेतृत्व में महिलाओं को एम्पावर करना चाहते हैं। इसीलिए जो इंडियन यूथ कांग्रेस ने मुहिम चलाई है, हमारे IYC इंचार्ज श्री कृष्णा अलवरो जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BV श्रीनिवास जी, हमारे इंचार्ज श्री विजय सिंह राजू जी, इस कार्यक्रम की हमारी जो कोऑर्डिनेटर है प्रियंका सनप जी, हमारे मेरे साथ मुंबई में हीना गजाली जी हैं, दीक्षिता जी है, नीलोफर जी है, रंजीता जी है, मिशेल जी है, तो हम सब महिलाओं के साथ मिलकर एक मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करती है और भारतीय जनता पार्टी को अब हमसे सीख कर महिलाओं के लिए देश में कुछ करना चाहिए, क्योंकि करेगा ना करे 2024 में हम जब चुनकर आएंगे तो महिलाओं के लिए हम ज़रूर करेंगे और शुरुआत हमने बहुत पहले की है और इसको इस माध्यम से इंडियन यूथ कांग्रेस करते जा रही है और करते आएगी।
15 अगस्त को आपने बताया कि जिस तरह से प्रोग्राम होने वाले हैं, कहाँ किए जाएंगे, और अगर कोई जुड़ना चाहे आपसे तो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, जैसे हमने कहा कि जो जो जुड़ना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनको पूरी मदद करेंगे, और जो हमारे साथ बाहर आकर झंडा वंदन नहीं भी कर पा रहा है तो वो खुद के घर से तिरंगे के साथ फोटो डालकर वो हैशटैग चला सकता है। क्या है हैशटैग? हाँ, इंडिया विद शक्ति का जो हैशटैग है, वो हैशटैग से अगर वो अपने ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे चलाए तो वो बहुत बेहतर होगा, उससे हम भी शेयर करेंगे। और इसके साथ अगर उनको झंडा वंदन के लिए कुछ भी ज़रूरत होगी तो मुंबई यूथ कांग्रेस उनकी मदद भी करेगा, और मुंबई यूथ कांग्रेस के द्वारा अलग अलग तालुकाओं में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, मुंबई के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल असेंबलीज में ये कार्यक्रम होने वाला है। और मुंबई यूथ कांग्रेस की महिला एक मैसेज देना चाह रही है आम जनता को, और 15 अगस्त को ये मैसेज जरूर देंगे। सर, जिस तरीके से हक और हिस्सेदारी, आप भी मानते हैं क्या महिलाओं को उस तरीके से वो स्थान जो है खास करके नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से सारी चीज़ों को लेकर आगे आना पड़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है हमारी एक इकलौती पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 50% जो टिकट्स हैं वो महिलाओं को दिए, और इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक मुहिम भी चलाई थी, आधा हक आधी आबादी, आबादी आधी आबादी आधा हक, आधी आबादी पूरा हक। सॉरी, देखिए महिलाएं लोग हमें करेक्ट करती है तो हम भी सही बोल सकते हैं। तो आधी आबादी पूरा हक के कार्यक्रम है, और ये भी कार्यक्रम इंडियन यूथ कांग्रेस ने लॉन्च किया था और आगे भी हम लेकर जाएंगे। हमें ये बहुत, हमारा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि महिलाओं को लीडरशिप पोजीशंस में होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक महिला ही महिला का पीड़ा समझ सकती है, और जब ये महिला लीडरशिप रोल्स अज्यूम करेंगी तो देश के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, आम जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। युवा अध्यक्ष है, युवाओं के लिए किस तरह की प्लानिंग चल रही है, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं युवा अध्यक्ष होने के साथ साथ एक युवा आमदार भी हूँ, और विधानसभा में युवाओं की आवाज़ हमेशा उठाते रहा हूँ और उठाते रहूँगा। और आप सबको पता है कि महाराष्ट्र राज्य में राजनीति के तौर पर अलग अलग दृश्य देखने को मिल रहे हैं, पर एक कांग्रेस पार्टी ही अकेली पार्टी है जो अपने प्रिंसिपल्स पे डटी रही है। बाकी तो आए दिन पे क्या क्या हो रहा है वो आप सबको पता है। एक कांग्रेस पार्टी है जो अपने प्रिंसिपल्स पे डटी रही है और आगे भी डटी रहेगी। युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे चीज़ें किए हैं, और आने वाले 2024 के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी जब चुन के आएगी तो युवाओं के लिए रोज़गार और युवाओं के लिए क्रीड़ा से लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे हम ज़रूर काम करेंगे, और मुझे यकीन है कि जनता हमें चुनकर लाएगी, जैसे हम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर सकें। आप युवा अध्यक्ष है, जिस तरह से पिछले दिनों गृह मंत्री ने जो कानून पेश किए हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं बतौर युवा, जो कानून उन्होंने पेश किया है? किस कानून की बात कर रहे हैं? कई सारे कानून उन्होंने जो पेश किए हैं उसको ओवरऑल आप किस तरह से देखिए? जो कानून, मैं आज जो हम जिस मंच पर बैठे हैं, हम मैं राजनीति की बात तो करना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, मगर जो अपना काम कर रहे हैं हम उसको, उस पर हम हर चीज़ पर विरोध करना मुझे नहीं लगता है राजनीति में सही है। और हम अपनी पार्टी के बारे में बात करेंगे और हमारे लक्ष्य के बारे में बात करेंगे, और आज की जो बैठक है वो सुपर शी के बारे में है, तो मुझे लगता है उस कार्यक्रम के बारे में अगर ज़्यादा बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। सर, खास करके महिलाओं को आपके साथ जुड़ा हुआ हमेशा से देखा गया है, तो आपके पीछे भी महिला शक्ति चलती है? कुछ सबके पीछे महिला शक्ति चलती है तो हम सब चल सकते हैं ना, और पीछे ही नहीं, साथ साथ और आगे भी चलती है। अगर आप बोलेंगे तो महिला शक्ति पीछे चलती है तो गलत है, मुझे लगता है ये सब एक दूसरे को देखने लगेंगे और मुझे जाने नहीं देंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो आगे भी चलती है, साथ चलती है, पीछे चलती है, हम सब साथ में चलते हैं, और यही हमारी पार्टी का विचारधारा है कि हम ना देखते हैं कि कौन कौन से धर्म से है, कौन से वर्ग से है, कोई महिला है या पुरुष है, हम सबके साथ एक तरीके से रहते हैं और एक तरीके से सबको न्याय दिलाते हैं। सर, ये शक्ति सुपर सी, ये ही शब्द आप लोगों ने क्यों रखा है? क्योंकि आप देखेंगे तो जो नारी होती है वो एक अपने खुद के दम पर सुपर रहती है, तो जैसे हमने सुपर मैन बोलते हैं, सुपर वुमेन बोलते हैं, वैसे ही सुपर शी है, और
एक नारी घर भी अपना संभालती है और वही नारी अगर उनको मौका मिले तो वो बाहर जाके घर अपना चला भी सकती है। तो मुझे लगता है एक नारी ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो नारी नहीं कर सकती है, इसीलिए उनको वो सुपर का देना जो दर्जा है वो बहुत ही एप्ट दर्जा है उनको, इसीलिए हमने शक्ति सुपर शी कर का एक जो नाम है उनको दिया है। और आगे जाकर ये शक्ति सुपर शी बहुत कुछ करेगा, आप सबको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। अच्छा, इसमें नए लोगों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है जी, लेकिन ये जानना चाहूँगा कि जो कुछ लोग, जो महिलाएं कुछ नाराज चल रही हैं, उन्हें किस तरह से जोड़ा जाएगा? नहीं, नाराज मुझे लगता आप बोलेंगे इसके बारे में नहीं वही इस मुद्दे पर नाराज, मतलब पॉलिटिकल और पॉलिटिकल ही नॉन पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल ही कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कई सारी महिलाएं हैं जो थोड़ी सी नाराज है, तो उनको भी क्या मनाने का प्रयास किया जाएगा या फिर केवल नए लोगों को ही जोड़ा जाएगा? ये फेलोशिप दोनों लोगों के लिए, पॉलिटिकल लोगों के लिए भी है और नॉन पॉलिटिकल लोगों के लिए है। ये जो शक्ति क्लब है उसमें नॉन पॉलिटिकल महिलाओं को हम यहाँ पर जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, मतलब उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है जोड़ने के लिए, जहाँ पर वो अपने हक की और अपनी आवाज़ को उठाएंगे वो। और कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, तो परिवार में कभी कोई नाराज रहता है तो लोग जो होता रहता है, मगर वो तो चलता रहता है। और मुझे लगता है वो महिला हो या पुरुष हो, हम सब एक साथ ही रहेंगे और मिलकर जो आम जनता की आवाज़ है वो उठाने की कोशिश पूरी करेंगे। जिसमें ये जान लेंगे जिस तरीके से शक्ति सुपर सी है, इसके बाद से महिलाओं में जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा, जिस तरीके से आपने कहा हर घर से वो झंडा फहराएंगे और आप तक पहुँचाएंगे, तो आप लोग उससे जो है पोस्ट करेंगे जिस तरीके की चीज़ों को, तो इससे महिलाओं को आत्मविश्वास बढ़ेगा और क्या वो खुलकर सामने आएंगे? जी ज़रूर ऐसा होगा, क्योंकि कई महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है अपनी विचारधारा रखने का। जैसे हमने कहा कि आप हमारे से जुड़े, आपके जो व्यूज़ है वो हमारे माध्यम से आप शेयर करें, और काफ़ी महिलाओं को एक डिफरेंस मेक करना है पर उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है। तो एक यूथ कांग्रेस एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ आप जुड़ सकते हो और आप अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर सकते हो, हमारे माध्यम से सोसाइटी का भी भला आप कर सकते हो। हाँ।